हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर जी ने बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला दिशा और दूरी, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आपको दिशा दूरी की पहली क्लास बहुत जरूरी देखना, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने दिशाओं के बारे में और दाएं बाएं के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया था पहली वीडियो में, जो भी बेसिक बातें हो सकती थी, ठीक है, वो सारी मैंने बता दी थी। इसलिए पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ। जो इस टाइम में रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, हमने पहली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इससे हम दाएं बाएं का कन्फ्यूजन कैसे दूर करते हैं, ठीक है, तो आसानी से कर दोगे दूर। आगे मैं आपको दिशाओं के बारे में बता देता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। और पहली वीडियो में डिटेल से इनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ हर स्टूडेंट को आता ही है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में अब क्या बोला है, क्वेश्चन कहता है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों, विजय कार्यालय था ये, यहाँ से प्रारंभ करता है वो और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों, चला गया 4 किलोमीटर, आप बोलोगे ठीक है, बिल्कुल 4 किलोमीटर चला गया उत्तर की ओर, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, अब ये उत्तर दिशा में जा रहा था, इसको दाएं मुड़ना है, तो कहाँ मुड़ेगा, आप बोलोगे सर इधर की तरफ। कितना चलेगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, अभी पूर्व दिशा में जा रहा था, अब कितना चलना है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। दाएं मतलब नीचे की तरफ, दोस्तों नीचे की तरफ मुड़ेगा, कितना चले गए 6 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों, कितना चला गया 6 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, और फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, भी दक्षिण दिशा में जा रहा था, अब इसको किधर मुड़ना, दाएं मुड़ना है। दोस्तों, दाएं किधर मुड़ेगा, आप बोलो सर दाएं मुड़ेगा इधर। कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। दोस्तों, 2 किलोमीटर यहाँ पर है, क्योंकि ये भी 2 किलोमीटर थी, तो ये 2 किलोमीटर इसके बराबर रह जाएगी, ठीक है, 2 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, अभी किधर जा रहा था, पश्चिम दिशा में, अब कितना मुड़ना है इसको, 2 किलोमीटर दाएं ओर। दोस्तों, 2 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रारंभिक स्थान पर, क्योंकि 2 किलोमीटर ये चला, ठीक है, और 4 ये थी और 2 ये थी, तो पूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे सर पूरी होगी 6, ठीक, कितनी होगी 6, और ये भी कितनी थी, ये भी 6 थी, ठीक है, ये भी 6 थी। इसलिए इसने पूछा वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। दोस्तों, वो अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद, दोस्तों पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ, ठीक है, ये चित्र आपको सभी को आता है, ठीक है, ये चित्र आपको सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसने क्या बोला है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें। दोस्तों, माना हमने यहाँ से शुरू करा, ठीक है, यहाँ से शुरू करा, किधर की तरफ, उत्तर की ओर, किधर की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ हमने कितना शुरू करा, 4 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों, इसने बोला था उत्तर की ओर शुरू करना, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़े, अपनी बाईं ओर मुड़े। दोस्तों, उत्तर दिशा में जा रहे थे, अब किधर मुड़ना, बाईं ओर मुड़ना है। दोस्तों, बाईं ओर मुड़ गए, कितना चलना है, बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े। दोस्तों, 5 किलोमीटर दौड़ गए, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ गए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़े। दोस्तों, अब पश्चिम दिशा में जा रहे थे, अब बाईं ओर मुड़ना है, तो किधर को मुड़ेंगे, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़े, तो 4 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, अब 5 यहाँ इसके थोड़े नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़े। दोस्तों, हम नीचे की ओर आ रहे थे दक्षिण दिशा में, अब किधर मुड़ना, बाएं मुड़ना है।
बाएं मुड़ना है दोस्तों, तो बाएं किधर मुड़ेंगे, इधर। कितना चलना है दोस्तों, आप बोलोगे 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया था, ठीक है, और 6 हमें चलना था, तो इतनी आगे तक हम चले थे। फिर आगे तथा दौड़ समाप्त होने करने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़े। दोस्तों अब इसको किधर मुड़ना, बाईं ओर घूमना है, ठीक है दोस्तों, किधर घूमना है, बाईं ओर घूमना है। कितना चला, 1 किलोमीटर, बाईं ओर घूमे और 1 किलोमीटर चले। दोस्तों पूरब दिशा में जा रहे तो बाया ऊपर को होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर दौड़े तो आप उस स्थान से कितनी दूर हैं जहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया था। दोस्तों दौड़ना शुरू किया था यहाँ से, अब हम यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आप बता सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक आप बताओगे सर यहाँ से यहाँ तक पूरी थी 6, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी पूरी 6। दोस्तों क्लियर है, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ऊपर वाली 5 है, ठीक है, ये भी 5 हो गई। तो दोस्तों इधर कितनी बची, ये कितनी बची, आप बोलोगे सर पूरी 6 थी, तो ये कितनी बची, ये 1 बची। कितनी बची दोस्तों, 1 किलोमीटर। दोस्तों कितनी बची, 1 किलोमीटर, क्योंकि पूरी 6 थी और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई, तो कितनी बची आयोग को, 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह चित्र मैं आपको बना देता हूँ जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है पर आपको थोड़ा सा दिमाग से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों बिल्कुल आसानी समझेंगे, ठीक है, यहाँ से चला और उत्तर की ओर कितना चला गया, 12 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितना चला गया, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, 15 किलोमीटर पूरब की ओर। दोस्तों यहाँ से चला वो, फिर पूरब इधर होगा ना, 15 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, दोस्तों वो यहाँ पर आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके मन में आता है यार 15 मिनट में पश्चिम की ओर चलता हूँ। दोस्तों ये फिर ये वापस होने लगता है, ठीक है, फिर वो वापस होने लगता है, 15 मिनट चलेगा तो कहाँ आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया ना, वापस आया तो 15 किलोमीटर यहीं पर आ जाएगा। फिर आगे बोलेंगे, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दोस्तों फिर यहाँ से उन्हें 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना है। दोस्तों आप कहोगे सर 12 तो ये चला था और नीचे को, इससे नीचे को 6 और चल जाएगा, कितना और चल जाएगा, 6 और चल जाएगा ना, तो यहाँ पर आ गया वो, यहाँ पर आ गया, ठीक है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, दोस्तों आरंभिक स्थल था उसका वो, अब है वो यहाँ पर, तो दोस्तों कितना किलोमीटर है, आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर, ठीक है, कितना दोस्तों, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन लगाते होगे तो मुझे इतना तो विश्वास है आप क्वेश्चन आसानी से कर लेते होगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ इतने अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है इसने, ये चित्र आपको देख लेना है पहले, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु बाय पर पहुँचा। दोस्तों मैंने कहा आपको इसने दिशा क्लियर नहीं किया, आप किधर को भी चला सकते हो, ठीक है। माना बिंदु एक्स से प्रारंभ करा इसने, सोहन ने, ठीक है, बिंदु एक्स से प्रारंभ करा और 8 किलोमीटर इधर को चला गया, ठीक है, कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वो यहाँ तक आ गया और बाई पर पहुँच गया, ठीक है दोस्तों, बाई ये बिंदु आ गया, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक यात्रा करके
फिर दाई ओर मुड़कर, दोस्तों अब ये किधर जा रहा था, पूरब दिशा में, उसको किधर मुड़ना है, दाई ओर। दोस्तों दाई ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। दोस्तों 5 किलोमीटर चला दिया इसको यहाँ तक, 5 किलोमीटर, कहाँ पहुँच गया है, बिंदु जेड पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यात्रा करके पहुँचा। फिर दाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर, फिर दाई ओर मुड़ना दोस्तों, अब दक्षिण दिशा में जा रहा, दाएँ किधर होगा, हाँ बुलक्सर दाएँ इधर होगा, कितना चलना है, हाँ बुलक्सर 7 किलोमीटर। दोस्तों 7 किलोमीटर कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ लगभग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये पूरी 8 थी, ये पूरी 8 थी, तो 7 इसके कहीं लगभग यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, 7 किलोमीटर कहाँ पहुँचा, दूर बिंदु ए तक पहुँचा। दोस्तों ये कौन से बिंदु पर आ गया, ए बिंदु पर आ गया। फिर से दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुँचा। दोस्तों अब ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, अब इसको दाएं ओर मुड़ना और कितना चला, 5 किलोमीटर। दोस्तों आप कहोगे सर ऊपर की तरफ जाएगा दाएं ओर ये, और कितना चला गया ये, 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गया, ठीक है, बिंदु बी कहाँ आ गया, बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी, बिंदु एक्स के बीच की दूरी बतानी है दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, यहाँ की, ठीक है। आपको दोस्तों पता होगा, आपको क्या पता होगा, आप डायरेक्टली देखते भी बता सकते हो, इसको इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपने कहा सर पूरी थी ये 8, पूरी कितनी थी ये मैं बताऊँ तो आपसे पूछूँ तो आप कहोगे सर 8, कितनी थी 8, मैं आपसे पूछूँ तो आप कहोगे सर यहाँ से और यहाँ तक तो हो गई ये 7, तो आगे को कितनी बची, आप बोलोगे सर आगे को ये वाली बची 1, कितनी बची 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 क्या कहता है, चित्र बना दिया मैंने, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत हमको नहीं आ रही, ठीक है। इसने बोला सीता पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। दोस्तों सीता ने यहाँ से प्रारंभ करा, ठीक है, पूरब दिशा में कितनी चली, 1 किलोमीटर। दोस्तों पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। दोस्तों पूरब दिशा में जा रही थी, अब दाएं किधर होगा, आप बोलो सर दाएं होगा नीचे की तरफ, नीचे चली गई दोस्तों 1 किलोमीटर, आप बोलो सर चली गई, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। दोस्तों उसके बाद बाएं मुड़ती है, मतलब जब दक्षिण दिशा में जा रही थी तो उसका बाएं किधर होगा, आप बोलो सर इधर होगा, कितनी चलती है दोस्तों, आप बोलो सर 2 किलोमीटर, कितनी चलती है 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तथा अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। दोस्तों पूर्व दिशा में जा रही थी, अब बाएं मुड़ना है उसको और 5 चलना है, आप बोलो सर इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं बाएं ऊपर की तरफ होगा, दोस्तों ऊपर दिशा में होगा पर कितना चलना है 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 5 किलोमीटर हमने उसको चला दिया। सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, देखो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, न्यूनतम रास्ते के आधार पर, न्यूनतम रास्ते के शॉर्टकट में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कहाँ से चलना शुरू किया था, आप बोलो सर यहाँ से, मैं कहूँ आप कहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर, तो मैं कहूँ न्यूनतम रास्ता, तो हम ये निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, शॉर्टकट तरीका तो एक ये ही है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आप किस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपसे पूछूँ मैं ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, ये आप कहोगे सर एक तो ये था और दो ये था, ठीक है, क्योंकि दो तो ये है और एक ये है, ठीक है, तो पूरा ये कितना हो जाएगा, पूरा बुझू मैं आपसे, पूरा कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना होना चाहिए दोस्तों, दो ये और एक ये, कितना हो जाएगा पूरा दोस्तों, आप बोलोगे सर 3, कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं नीचे को यहाँ से यहाँ तक, दोस्तों ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप बोलोगे सर नीचे को 1 है, तो ऊपर को दोस्तों कितना बचा, ऊपर को कितना बचा, आप बोलोगे सर ऊपर को बचा 4। दोस्तों मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से कोई चित्र बनेगा ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कोई ये चित्र बनेगा। यहाँ से ये दूरी में आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये हो गई 3 और ये बची थी 4 और ये हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों, ये तो निकालनी है आपको, तो ये निकालनी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था अगर एक डिस्टेंस 3 और एक डिस्टेंस 4 हो तो तीसरी भुजा आपको बताई थी मैंने डायरेक्टली कितनी होगी,
पाँच होगी। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। तीसरी कितनी होगी? पाँच होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये चित्र आपको फिर देख लेना, ठीक है। वैसे तो आपके रट गया होगा, इसको कोई जरूरी नहीं बनाने की, आप खुद भी बना लेते हो अपनी रफ कॉपी पर, ठीक है। कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कमल मान लिया यहाँ से चला, ठीक है, उत्तर दिशा में चला, कितना? 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। दोस्तों जब वो यहाँ पर आया तो उसे कुछ बात याद आ गई, नहीं मेरी कुछ चीज़ भूल गया मैं, तो उसने क्या करा, फिर दक्षिण दिशा में फिर कितना चला? 6 किलोमीटर चल पड़ा, वो वापस कितना चल पड़ा? 6 किलोमीटर। दोस्तों 6 किलोमीटर आया तो 6 किलोमीटर को यहाँ तक आ गया, ठीक है, 6 किलोमीटर आ गया। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। दोस्तों फिर क्या करा उसने, यहाँ तक आ गया, फिर उसने सोची यार पूर्व दिशा में चल रहा हूँ, ठीक है, किसी के पास जाना होगा उसको, तो पूर्व दिशा किधर होती है दोस्तों? आप बोलो सर इधर, आप क्या बोलोगे? सर इधर की तरफ होती है पूर्व दिशा। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। दोस्तों कितना चला? 3 किलोमीटर। तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है? दोस्तों यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ पहुंच गया, तो दोस्तों कितनी दूरी आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। दोस्तों मैं आपसे पूछूं, ये ऊपर को कितनी है? आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक तो वो 6 आ गया था, कितना आ गया था वापस? 6 आ गया। तो दोस्तों नीचे को कितनी बची? आप बोलो सर नीचे को बची थी 4। आप क्लियर बता दोगे? देखो मैं आपको इधर बता के दिखाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ समझ जाओगे इतनी दूरी कितनी हो गई थी ऊपर की, ये 6 तो वापस आ गया था, ठीक है, नीचे कितनी बची? 4 बची, क्योंकि टोटल 10 थी, टोटल 10 थी ना, और ये इधर को पूर्व दिशा में गया था 3 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ये वाली दिशा बतानी थी, ये डिस्टेंस आपको बतानी थी, ठीक है। तो आप फिर वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक भुजा 3 दी है, एक 4 दी है, और ये तीसरी आपको बतानी है, एक 3 दी है, दूसरी 4 दी है, तीसरी आपको बतानी है। तो आप देखते ही बता सकते हो कितनी होगी तीसरी, आप बोलो सर 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते ही बता सकते हो, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आने वाली, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर नई हो तो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है, रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है, रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है। दोस्तों आपकी मर्जी है, किधर को भी चला सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि इधर को चलाओ, आपकी मर्जी है, जिधर आपको मन करे उधर को चला सकते हो, ठीक है। आप कहते हो सर आप हर बार पूर्व दिशा में लेते हो, आपके उत्तर दिशा में लेके दिखाओ, मैं कहता हूँ आपका जिधर को मन करा उधर को चला दो, ठीक है। रोहित बेंगलोर से, मान लो बेंगलोर था, बी से बेंगलोर बना दिया मैंने, ठीक है, मैसूर की तरफ, मतलब मैसूर मान लिया ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर कितना चलाता है? कार चलाता है। 80 किलोमीटर के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दोस्तों 80 किलोमीटर वो कहाँ पहुँच गया? मैसूर, ठीक है, 80 किलोमीटर के बाद वह किधर मुड़ जाता है? दाएं मुड़ जाता है। दोस्तों इसी तरह आपको क्लियर होगा, दाएं किधर होगा जब उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो आप बोलो सर दाएं होगा इधर। कितना चलाता है दोस्तों? आप बोलो सर 50। कितना चला? 50 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 70 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अब वो पूर्व दिशा में जा रहा था, उसके बाद उसको दाएं मुड़ना है, तो दाएं किधर मुड़ेगा? आप बोलो सर नीचे की तरफ। कितना चलना है? 70। दोस्तों आप बोल दो सर यहाँ तक वो आ जाएगा, 70 यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 80 था, ठीक है, तो 70 इससे थोड़ी पीछे रहेगा, 70 यहाँ तक आ जाएगा। अंत में वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। दोस्तों यहाँ से जब वो दक्षिण दिशा में जा रहा था, उसको किधर मुड़ना है? आप बोलोगे सर अंत में उसको दाएं मुड़ना है, और कितना चलना? 50 किलोमीटर। तो दोस्तों 50 वो यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि पूरी 50 ये थी, 50 ये थी, ठीक है, अंत में वो यहाँ तक आ जाता है और 50 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और रुक जाता है। यह बताइए कि रोहित अब बेंगलोर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। दोस्त तो रोहित यहाँ से बताना अब यहाँ पर है वो कितनी दूरी पर है। दोस्तों आपको पता होगा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आप बोलो सर ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? आप बोलो सर 80 थी। कितनी थी? 80। और मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी कंप्लीट है? 70।
तो मैं कहूँ नीचे कितनी बची, आप बोलोगे सर 10 बची, कितनी बची 10, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, वरना मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, कोई भी डाउट आपको होता तो वहाँ पर मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, श्याम पूर्व दिशा में 6 मीटर, ठीक है दोस्तों 6 मीटर, तो दोस्तों ये चित्र आपको पता होगा, ठीक है, श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, दोस्तों यहाँ से उसने क्या करा, श्याम ने यहाँ चलना शुरू करा और किधर की तरफ, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब कितने मीटर, आप बोलो सर 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। आगे देखेंगे, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, दोस्तों फिर किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, दोस्तों चित्र में ऊपर को बना लेते थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे को, यहाँ से देखो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, ये चित्र था हमारा, ठीक है, और श्याम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 6 मीटर चला था, दोस्तों मानो यहाँ से हमने चलाया पूर्व दिशा की ओर, कितना चला दिया 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे उसने बोला फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, दोस्तों पूर्व दिशा में जा रहा दाएं नीचे को होगा, ठीक है, कितना चलना है 9 मीटर चलना है, 9 मीटर चला गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर वह बाएं घूम मुड़ा और 6 मीटर चला, दोस्तों अब किधर मुड़ना है उसको, बाएं मुड़ना है, तो किधर मुड़ेगा, जब दक्षिण में जा रहा हो तो आप चित्र को देखकर बता सकते हो, हाँ बोल दो सर इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, दोस्तों 6 मीटर कहाँ चला गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया वो, इसने वजह वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, दोस्तों आरंभ बिंदु तो उसका ये, अब यहाँ पर ये दूरी आपको बतानी है, तो दोस्तों हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम इस दूरी को बता सकते हैं। अब आपको कहोगे सर कैसे बता सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ हर क्वेश्चन की तरह, आपको कौन सी बतानी है डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कई तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को निकालने के, ठीक है, पहला तरीका तो आप ये सीख लो कि यहाँ को इधर को अगर मैं इधर कर दूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये कितनी ऊपर वाली कितनी थी, आप बोलोगे सर 6, तो ये भी 6 होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मैं आपसे पूछूँ ये वाली कितनी है, तो आप बोलोगे सर इधर की 9 थी, तो ये भी 9 होगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको इस चित्र में यहाँ को बता देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी निकाल सकते हो इसको, पर मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये कितनी 9 थी और ये कितनी हो गई 6, ये है और 6 ये है, कितनी होगी टोटल, ये 12 हो गई दोस्तों, ठीक है, और आपको ये वाली बतानी है, यही तो बतानी है आपको, ये वाली तो बतानी है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कर्ण का वर्ग आपको पता होगा, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, 9×81 प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 144, ठीक है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर 4×5, ठीक है, 8×4 12 कितना आएगा 225, तो कर्ण कितना आएगा, ये किसका वर्ग होता है, आप बोलो सर 15, कर्ण कितना आएगा 15, तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताया करो जो भी आपको प्रॉब्लम हो या वीडियो कैसी लगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।